मटन होगा या कुछ और होगा किसका मांस होगा उत्तराखंड में तो आप लोगों ने क्या? नील भाई को चलो नील सन्नाटा कर दिया ऐसे ऐसे कह बहुत खून बहा है रानी जी का भी काफी पर्सनल लॉस चल रहा है ऑन पेपर ये हाथ का मसला क्या है मतलब ये हाथ ही क्यों जा रहा है मारी के मरवाई गई के, के क्या हुआ वो चल जाएगा बट देन आई डिड अ फिल्म विदाह साल 2021 सबसे पहले तो दिमाग की घंटी बजती है जब सबको पता चलता है ओटी पे हसीन दिलरुबा आ रही है तो लोगों का तो कयास वैसे ही बढ़ाना मुश्किल हो गया था लेकिन फिर जब हसीन दिलरुबा आई तो पहले तो अपनी हसीना जो थी उसने अपने चर्चे फैलाए उसके बाद पता चला कि भाई ये तो कांड करके बैठे हैं सब लोग तो लेडीज एंड जेंट ऐसा है हमारे साथ हसीन दिलरुबा की कास्ट जो कि फिर से आ रही है फिर आए हसीन दिलरुबा के लिए रिशु भैया ऋषभ बाबू स्वागत जी, स्टूडियो सबसे पहले आपको बधाइया बारहवीं फेल का जो सक्सेस है उसने हर किसी को टॉपर बना दिया बहुत है बहुत बढ़िया फिर दन्यौण, हसीन दिलरुबा जो कि फिर आ रही हैं रानी उर्फ तापसी आपको भी ढेरों शुभकामनाएं थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया सनी भैया जी किन लोगों के चक्कर में पड़े प्यार में फसाते हैं अब वो वो तो कहानी देखकर आपको सेकंड पार्ट पार्टी हाँ। पता चलेगा पहला पार्ट देखा नहीं था इसलिए अच्छा पता नहीं था कि हाँ। किस चक्कर किस में फंस रहे हैं ना तो मैं अभी मैं एक मंत्र दे देता हूँ आप समझ जाएंगे क्या सीन है लोग जी प्यार मोहब्बत का लफड़ा बड़ा भयंकर हाथ जोड़ के अपन तो बोले जय शिव शंकर जय शिव शंकर क्या बात प्यार मोहब्बत में अटकाते हैं उसके बाद लंबे से निपटाते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि हसीन दिलरुबा इस बार किसका हाथ लेकर मानेगी किसी के हाथों में हाथ दिया था वो साथ निभाएगी या फिर अब एक बार दूसरे हाथ का नंबर आने वाला स्वागत है रेड एफ पर आपका और अब जो वाकई पूरी इंडिया को वापस से बजाने वाला है वो फिर आई हसीन दिलरुबा है ऋषु भैया एक तो जिस हाथ को आपने त्यागा वो वाले हाथ के नहीं होने के बाद तो बहुत दिक्कतें होती हैं लेकिन <laughs> रानी के लिए आपने वो हाथी काट दिया साला जिसमें हाथ की लकीर में है ही नहीं रानी तो ऋषु भैया इस बार क्या होने वाला है इस बार मटन खिलाएंगे मटन खिलाएंगे लेकिन वो मटन मटन होगा या कुछ और होगा किसका मांस होगा अरे ये ये, ये आपको खुद चख के उसे पता करना पड़ेगा हां लेकिन बहुत और जैसे आप सब जानते हैं कि सनी बाजी आए हैं आ, हमारी दुनिया में हमारी यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम सब हां देखिए हसीन दिलरुबा क्या है सब जानते हैं हां पागलपन है दीवानापन है आ, बहुत सारा खून है आ, बहुत सारा प्यार है इट्स इट्स ओनली गोइंग टू बी अ नॉच अबव व्हाट यू सॉ द लास्ट टाइम खूब मजा आने वाला है अगर अगर इसमें है मगर अगर हाँ। मगर, मगर ये, ये तो आने वाला <laughs> क्योंकि ये मगर जो है लास्ट टाइम हमने खून भरी मांग में देखा था <laughs> और अब ये हसीन दिलरुबा के साथ देखने वाले तो ऐसा है कि जब हम हसीन दिलरुबा देख रहे थे तो किताब जब बंद होती है तो दिनेश पंडित जी की किताब थी वो ऑथर थे और किताब का नाम था कसौली का कहर उत्तराखंड में तो आप लोगों ने नील भाई को चलो नील बटे सन्नाटा कर दिया अब ये कहानी उत्तराखंड से निकल गई क्योंकि आप लोग ट्रेन में सवार होकर निकल गए अभी ट्रेन कहाँ रुकी है अब आगे रानी यूपी यूपी में किधर आगरा अरे आगरा के महल का शहर ताजमहल का ताज शहर हाँ और वहाँ पर क्या हुआ था उस प्यार का वो जो ताजमहल है उसको बनने के लिए वो बे... हा... थे हाथ कटे थे हाथ लोग मरने की बात मैं, तो मैं तो मर ठीक है हमको तो पता चला तो उसमें भी तो हाथ कटे थे प्यार की वो इतनी अच्छी रचनात्मक चीज बनाने के बाद तो हाथ ही कटवाए गए थे ना वहाँ कारीगर के मरने के बाद ब्यूटीफुल हाँ। uh, जो बनाई गई मॉन्यूमेंट तो आप उससे भी थोड़ा सा तो पर पर ऐसे, ऐसे हाँ। आप तो पार्ट टू में आ रहे हैं पार्ट वन में तो ये लोग ब्रूटल हो चुके थे जी बिल्कुल सब फोड़ डाले हैं अगले को ठिकाने लगाने लिए। और अगला वहां पे गैस फोड़ के सीधा जम मार देता है सनी भाई देखो हम पहले ही बोल रहे इन लोग के चक्कर में अगर आप पड़े हो तो कुछ तो दाए होगा वो तो फिल्में आप लोगों ने कर रखी हैं तो आपको ज्यादा मालूम है ये अभिमन्यु कौन है कहा से आ गया ये ये अभिमन्यु से आया वो तो वो तो तो आगरा का ही रहने वाला ये आ, ये है ये ये आए आए हैं हैं पर लोग अब ये देखना है कि अभिमन्यु इनके चक्रव्यूह में फंसा है कि ये उनके चक्रव्यूह में फंसे हैं वो जैसा हमने अभिमन्यु को देखा है बहुत साधारण सा व्यक्ति दिख रहा है यार वो है वो है अभिमन्यु का जो किरदार है वो एक बहुत ही पर्सनल लॉस से गुजर रहा है उसकी फैमिली नहीं है वो जब बच्चा था छोटा था उसकी फैमिली गुजर गई थी इज़ अ वेरी लोनली कैरेक्टर और उस उनके लाइफ में फिर आती है रानी जी, जी जी रानी जी का भी काफी पर्सनल लॉस चल नहीं हाँ, <laughs> <ना। laughs> उन हाँ, तो वही हाँ, तो अभी हमें मुख्य मुद्दा हम इस पे आने थे कि लास्ट टाइम जो नील का नील बटे सन्नाटा हुआ तो कसौली के कहर से हुआ क्या इस पार्ट में भी कोई कहानी है देखिए ये तो कहानी ही सारी दिनेश पंडित की है बिना मुझ के एक कनिका <laughs> <laughs> जिसने ये कहानी रची है तो हाँ। वो ये दिन आपको समेटा है थोड़ा सा ये हाँ। कहानी, अच्छा। में, कहानी, कहानी।, कहानी में कहानी के अंदर कहानी कहानी हमारे को प्ले कहानी। करे कि हम कहानी को प्ले करें समझ स नहीं आएगा ऐसा और हाँ। कहानी और वो किताबें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा हिस्सा है कहानी right. का भी क्योंकि ये एक जब मैंने उस टाइम पर देखा था तब कोविड के लॉकडाउन में हम लोग सब लोग घर में थे तो फिल्म देखने का ना एक अलग अंदाज उस दौरान बन गया था कि आप इतमीनान से बैठकर फिल्म देख रहे हो और मैंने इतनी इतमीनान से देखी थी कि मुझे दो बार ये फिल्म देखनी पड़ी तू भी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मुझे इतना ज्यादा वो मतलब मैं उसके अंदर हिस्सा बन गया था स्पेशली yeah. वो वाला सीन जब हम देखते हैं कि आप उन्हें अपनी रेड कलर की हुंडई सेंटर में वापस दौड़ाना शुरू करते हो yeah. वो अपनी करिश्मा बाइक पे देव अ टाइम जब आप उनको फर्स्ट हिट देते हो बाइक पर उसके बाद योर फेस टर्न लाइक साइको पाथ आपको बड़ा मजा आता साल आप तो मैं उड़ा के गया हूँ वो वाले टाइम पर जब आपका वो पूरा एक्सप्रेशन चेंज होता तो दिख रहा था कि हाँ वो की दीवानगी की हद किस कदर होती है दीवानगी की हद पे वो भी है ना हाँ, है। आपका दर्ण दर्ण पागल डर पागलपन की हद पागलपन की हद पागल तक की बात हो रही है तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो हमने ट्रेलर देखा वहां पर हमको समझ में आया कि रिशु भैया के अंदर इस बात की खुशी भी है कि उनका प्यार उनके साथ है लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं बात का दुख भी है कि कि उनके उनके प्यार ने उनके साथ एक एक कहीं न कहीं को कर दिया। क्योंकि आपने एक दो डायलॉग ऐसे दे दिए हैं कि तुम तो बच्चलन। <laughs> <laughs> तो हो ही वो think, भी। उसका कैरेक्टर <laughs> <laughs> टू अन द रन लेकिन जैसे हम सब जानते हैं प्यार जो है वो उसमें बहुत कुछ होता है यू नो इन बहुत चीजों का मिश्रण होता है हाँ, हाँ. Uh, सिर्फ प्यार प्यार नहीं होता कभी नाराजगी भी होती है जी. कभी uh, बहुत सारी चीजें होती हैं गुस्सा भी होता है और धोखा तो आपको बताइए कोट कोट के भराया हमने हाँ, में तो ये 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 आज जो रिशु कहता है कि यार पर तू तो, तो बच्चलन है जो आपने ट्रेलर में भी देखा है वो उसके पीछे बहुत सबटेक्स्ट है एक्चुअली oh. हाँ जी अब वो धीरे धीरे राज धीरे धीरे राज खुलेगा क्योंकि अब तो रीशु भी दिनेश पंडित पढ़ने लग गया ना ah. आप, ये, ये देखें शायद इसे कह सकते हैं कि दिनेश पंडित की अगर कोई किताब होती तो इस उसका नाम होता आगरा का आतंक oh. Oh. तो के के कहर के बाद आगरा का आतंक आगरा का आतंक है इसमें जैसे हम लोग कह रहे हैं मगरो सौरस भी है मगरो सौरस, मगरो सौरस, सौरस, सौरस है। जी हमारी कहानी में एक मगरो सौरस भी है तो बहुत बहुत पागलपन है मगरेश अच्छा था मगरेश? यार तुमने मगरेश? मगरेश? नहीं मगरो, मगरो सौरस।, सौरस मगरो सौरस अब प्यार से बुलाए तो मगरू मगरू सनी भाई हाउ डिड दिस फिल्म हैपन टू यू वेरी फॉर्चुनेटली ढिल सुन लो हाँ. तो मुझे नहीं पता था कि उनका काम बहुत पसंद है तो हाँ. मैंने आकर सुनी और फिर मुझे पता चला कि ये तो पार्ट टू चल रही है और उन्होंने बिना बताए मुझे कहानी शुरू कर दी आपने नहीं देखी थी तब मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी थी तो पर मुझे पता था हाँ। हसीन दिलरुबा ऑब्वियसली उसके बारे में तो उन्होंने शुरू कर दिया भाई ये तो ऐसा ये ये <laughs> हाँ। लिखा गया लेकिन कहीं ऐसा बीच में आपको लगा नहीं कि अरे यार लास्ट वैली में हर्षवर्धन चल दिए लाए इस बार मेरा ही नंबर लगा रहे लोग ऐसा क्वेश्चन उठा था दिमाग में नरेशन के दौरान ना नरेशन के दौरान चलते चलते ऐसे क्वेश्चन ऐसे सवाल तो उठते रहते बट देन आप चुपचाप बैठे रहते हो आप सुनते हो कि कहानी कहाँ जा रही है कहानी कहा जा और कहानी बहुत बहुत सारी जगहों पर जाती है आप आपको पता चल बहुत जगह घूमती है एक तो एक तो उत्तरांचल से निकल के उत्तर प्रदेश पहुंच गए और फिल्म का प्लॉट अभी और उत्तम हो चुका है, उत्तम, दिमाग है उत्तम के हर कोने में घूम के आई आएगी और दिल मैं तो वही बिकॉज ऑनेस्टली मतलब मैं बहुत सोच समझ के फिल्में देखता हूँ क्योंकि घर पे भी चलानी होती है तो बीवी बच्चों के सामने थोड़ा मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि अरे यार कुछ ऐसा बोलते पहले पहले बच्चे देखते हैं मुझे कि क्या चला दिया आपने बट दिस इज द मूवी आई एंजॉयड विद माई फैमिली टू बी वेरी ऑनेस्ट थ्रू आउट द होल मूवी हम साथ में बैठे रहे कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा और कोई किसी कोई मतलब अपने हाथ में है पॉज करके जाके प्लेट उठा सकते खाना खाने की लेकिन hmm. नहीं जब तक तो मूवी नहीं खत्म हो जाएगी तब तक सब लोग हिले ही नहीं इस पिक्चर पर nice. तो इट वॉज सो कि मतलब एक कहीं ना कहीं इसमें वो ब्लड भी दिख रहा है

फिल्म तो अगस्त में आ रही लेकिन थोड़ा सा ही क्योंकि मगर आ गया यार मगरू, मगरू, मगरू मंगेश्वर <laughs> लास्ट मैंने खून भरी मांग में रेखा जी के साथ मगर देखा था हाँ और वो कितना पिवट वो एकदम पल्प फिक्शन हमारे दिमाग में वो इमेज बैठी हाँ, हुई है बैठी हुई है हाँ आई थिंक ये इसके वो कनिका के दिमाग में बहुत ज्यादा फिक्सेटेड थी वो इमेज एक औरत का लेके एक मगरमच्छ और मतलब the love and betrayal and blah हाँ। blah blah bla, वो सारे elements different combination में different तरीके से इसके अंदर हैं ये हाथ का मसला क्या है यार मतलब ये हाथ ही क्यों जा रहा है <laughs> यहाँ तो एक अगला बेचारा अपनी मैकेनिकल लाइफ छोड़ छाड़ के आपका हाथ मांगने गया था हाथ ऐसा लिया कि अपना हाथ गवा बैठा है और फिर से इसमें अभी ट्रेलर में हमें कुछ अलग ही हाथ देखने को मिल रही है हाथ का मसला क्या है

<laughs> क्या हुआ? वो वो यार यही होता है दिलरुबा लोग के साथ बातों में भी समझ में नहीं आता कि कहा लेके जाने वाले सेम इज द मूवी क्या है ना इस कहानी की हम हमें बहुत संभाल के कदम रखना पड़ रहा है क्योंकि अगर हमने गलती से कहीं कुछ बोल दिया और स्पॉइलर निकल गया ना पूरी कहानी खुल जाएगी इस फिल्म में ट्रेलर के दौरान किस्मत पर बात हुई है सर आपने तो किस्मत का एक अलग खेल ट्वेल्थ फिल्म में दिखाया है क्या आप लोग किस्मत के पर विश्वास रखते हो मानते हो बिल्कुल।, बिल्कुल किस्मत का साथ हार्ड वर्क के साथ बहुत जरूरी है बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों दोनों का रेशियो कितने कितने परसेंट होना चाहिए मेरा ये 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 मानना है कि डिसिप्लिन इज डेस्टिनी और ये, ये चीजें हैंड हैंड इन हैंड काम करती हैं अभी आप घर बैठ के सब कुछ नसीब पे नहीं छोड़ सकते हैं। राइट बाहर निकल के थोड़े पैर चलाने पड़ते हैं हाथ पैर मारना पड़ता है बट लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो नसीब भी डेस्टिनी भी आपका साथ नहीं देगी राइट तो और वो हर चीज में अप्लाई करता है सर यू नो प्यार में भी अप्लाई करता है जब रिशु ने रानी से प्यार किया था तो उनके प्यार में भी बड़ा डिसिप्लिन था आ, बहुत 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 डिसिप्लिन था बहुत। और इसीलिए रानी और यू नो you know, है बट yeah, नसीब की की अगर हम किस्मत किस्मत बात करें तो मैं विक्रांत में काफी विश्वास करता हूँ बट एज आई सेड यू नो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने लिख के अपनी स्टडी पे भी लिखा है हाँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी हाँ। भी हमारे प्रोफेशन में तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है मुझे लगता है कई बार तो पचास परसेंट से भी ज्यादा किस्मत का ही खेल होता है बिल्कुल तो मेरे हिसाब से तो मेरी किस्मत ही थी इन वे की मैं खुद एक्टर बन गई वही बहुत बड़ी किस्मत की बात है क्योंकि मैंने ऐसी प्लानिंग तो करी नहीं थी तो हाँ। ये सबसे बड़ा मेरे लिए खुद को रियलाइजेशन होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है किस्मत का साथ देना किस्मत का साथ, आ, साथ या तुम्हें तो कई बार उस डायरेक्शन में थोड़ा सा डायरेक्शन करना कि भाई हाँ। नहीं आप जो जहाँ जा रहे हो वहाँ नहीं थोड़ा सा इधर भी देखो थोड़ा दाएं बाजू भी घूम हाँ। राइट तो वो उसमें भी किस्मत ने साथ दिया था हाँ। मेरे लिए तो तो मैं मुझे तो हमेशा लगता है कि जो

आप बतौर पत्नी बत धर्म पत्नी सर आपका तो डेटिंग पीरियड चल ही रहा है है अच्छा मुझे नहीं पता पता सर अक्के भारत को है, जब से आप कपिल शर्मा शो पे गए विक्की भैया ने तो उसमें अप्रूवल भी दिया है सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लव राइट अब आप लोग के ट्रेलर में भी ये इसमें है कि दो लोगों का रिश्ता अच्छा भला चलता है वो अपनी पटरी से साथ वो गाड़ी तब छोड़ती जब उसमें तीसरे की एंट्री होती Really अप्लाई करती है, है इसीलिए वो आपकी फिल्म में शो किया जा रहा है राइट right? तो तीसरे पर्सन को अवॉइड करने के लिए एक एक टिप आप तीनों लोग देंगे कि वो लाइफ में तीसरा पर्सन नहीं होना चाहिए सर बस खुश रखिए अपने पार्टनर को और क्या। हाँ मतलब हाउ घुमा के फिरा के अच्छी बातें बता कर बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट करके या उनकी मौजूदगी अपनी लाइफ में होने के लिए धन्यवाद कहने पर कैसे थैंक यू इज वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू बहुत पावरफुल है सर right. uh, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब, जब-जब थोड़ी पटरी से हिल रही होती है गाड़ी तो तो मैं थैंक यू बोल देता हूं। अच्छा। आ, हो जाती है, आप सॉरी सॉरी बोलना प्रेफर नहीं नहीं, करते? लगता की बट टू बी ग्रेटफुल टू बी गिविंग होनी बहुत जरूरी है क्या बात है आ, सर।

रहना चाहिए नहीं रह right. रहा मतलब एक जैसे मैं आपको चीज बोल रही थी वो एक बहुत ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप्स में एक टाइम के बाद बहुत आ जाता है uh, कि आपको लगता है कि हाँ बस यही तो है hmm. 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 तो फिर क्या ही फर्क पड़े कहाँ ही जाएगा कहाँ ही जाएगी ऐसा hmm. हो जाता hmm. है।, hmm. है तो आई थिंक उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि

लाइक हाउ ब्रूसली का एक बहुत फेमस है आप जब चीज़ों को महसूस करते हैं ना हाँ. और उसे उतनी रिस्पेक्ट देते हैं अपनी फीलिंग्स को वेन य रिलेशनशिप आई थिंक आपके बात करने का जरिया खुल जाता है right. अगर आप मुझे पता नहीं मैं ये शायद समझा पा रहा हूँ कि नहीं बट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप उसको ज़्यादा थॉट दोगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर इफ यू लव समी यू आर देयर फॉर इट यू कमिटेड टू इट देन डोंट उसको बेसिकली बे, उसको अपना ज्यादा टू प्लस टू फोर करके उसको मेला मत कर दो राइट right. बात मतलब ये मेरा बात करो कम्युनिकेशन hmm. खुला रखो बिकॉज इट्स नॉट गोइंग गोइंग टू टू बी बी ऑलवेज हैप्पी इट्स नॉट ऑलवेज रोजी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट के ये हमेशा आपका हनीमून फेज नहीं चलता रहेगा ये कभी right. ना कभी पलटेगा और कभी ना. ना कभी बहुत बुरी तरीके से आप एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लोगे एंड दैट इज वेन इट इज टेस्टेड एट

और यहाँ पर जब हमने ये बात को उठाया तो मैं एक बहुत एक ऐसी बात है जो मैं आप लोग से पर्सनली इसके बारे में जानना चाहता हूँ रीजन ये कि हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं एक आर्टिस्ट से उसके किरदार के बारे में उसकी पर्सनल भी जानना चाहते हैं कि एज अ पर्सन और एज अ किरदार क्या क्या डिफरेंस होते हैं लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो वो ढूंढता है वो होता है वेलीटेशन ऑडियंस का हो गया फैमिली का हो गया क्रिटिक्स का हो गया आपके फैंस का हो गया

फ्यूल ही होता है कि हमें पता चले कि लोग क्या बोल रहे हैं एंड देन यू वांट टू चेंज यू ऑनेसली वांट टू के हम उस सुन के हम चेंज करें अपने आप को या कुछ hmm. बेटर करें एंड ऑल ऑफ दैट बट एक टाइम के बाद ना आपको बहुत डिमोटेड फील से होता है क्योंकि आपको लगता है कि बस जस्ट बिकॉज़ के एक माध्यम है इनके पास कुछ हाँ, बोलने के लिए तो वो उसका दुरुपयोग वो भी कर सकते हैं राइट so राइट वो आपकी जो उसको अलग-अलग करने की जो क्षमता होती है ना कि क्या चीज आइडेंटिफाई करना कि आप कि वो सिर्फ क्या लेना है और क्या छोड़ना वो मीडियम है? है इसलिए बोल रहे हैं हां कि इज देयर सम ट्रुथ टू इट सम पे एक सेंस ऑफ़ सिक्योरिटी होती है ना जो ह्यूमन बींग की होनी चाहिए एक्टर की शायद नहीं होती हर टाइम एक ह्यूमन बींग की होती है हा? कि भाई मुझे पता है मैंने ये सोच के नहीं कर रही है मैं पिक्चर हा? या मैंने ये सोच के नहीं किया था ये तो खुद को पता होता है तो वो तुम इतने मत बह जाओ एक एक्टर एक बनने में कि तुम भूल जाओ कि तुम ह्यूमन बींग कैसे हो पहले राइट right. सो so वो एक बार पता हो ना तो देन यू ऑल्सो नो द रीजन कि तुम क्यों अब तुम नेक्स्ट डे सुबह उठ के काम पे जा रहे हो इसलिए तो नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे को वाह वही मिल रही है hmm. तुम hmm. इसलिए भी जा रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा है करने right. so like like के लिए राइट सो दैट शुड बिकम योर ड्राइविंग फोर्स एंड टाइम्स लाइक दीज वेन यू फील लाइक काफी चीजों से मैं सहमत हूँ you know, की एक, एक नजर होनी चाहिए. और जैसे आपने कहा की सोशल मीडिया के माध्यम से अनफोर्चुनेटली no, बहुत ही निगेटिविटी भी बहुत ही टॉक्सिस्टी भी uh, हो जाती है बट uh, क्योंकि जैसे आपने कहा कि यू नो वैलिडेशन हो गया या जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं आपके ऑडियंस के लिए आप काम कर रहे हैं उनके hmm. वक्त के लिए आप काम कर रहे हैं उनके अटेंशन और उनके प्यार के लिए आप काम कर रहे हैं वो वही आपका एक एक इनर कोर बिलीफ होता है कि यू नो यू रियली वांट टू गो आउट देयर एंड गिव योर बेस्ट एंड यू होप दैट दे लाइक इट राइट पर जब नहीं होता है तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है

So, I think that's the, mentor was not that's the yeah. mark that you arrived. Yeah. <laughs> <laughs> so, uh, मैं मैं ज़्यादा ध्यान वहाँ नहीं देता, because hmm. मैं actually बहुत sensitive हूँ. Hmm. मुझे फर्क पड़ता है. Hmm. और और because मुझे फर्क पड़ता है तो मेरे बाकी रिश्ते भी उस वजह से you know खराब होते हैं. Affect होते हैं. Affect होते हैं. You know मेरे घरवालों को मुझे मायूस देखना नहीं पसंद है. Hmm. हाँ. Hmm. तो वो भी घर का माहौल खराब हो जाता है तो

और वो आपको पता चलता है एंड अगर आपको लगता है कि यार ये बस मजाक करने के लिए मजाक उड़ा रहा है बिकॉज़ है हाँ। है कर सकते हैं एक्सेस हाँ, है तो ठीक तो है यार वो तो आप तो खुश रहो आई एम ग्लेट हाँ मतलब तुम अपनी दुनिया में खुश रहो अपनी दुनिया में फिर आप सबने बहुत तरीके तरीके की रोल राइट कभी सीरियस थोड़ी कभी कॉमेडी इश्क मोहब्बत तो चल ही रही है लेकिन एक कोई किरदार होता है जो करने के बाद आपको लगता है कि yes, right. right, you know, यस आई है कौन सा आप लोग का खुद का ऐसा किरदार है जो आप लोग करने के बाद लगाईटर बट मैंने एक फिल्म करी थी उसका नाम था हरदंग विजय एंड विजय वर्मा एंड नरशत के साथ तो वो फिल्म पैंडमिक के दौरान रिलीज़ हुई थी आई डोन्ट नो वेदर आई फेल्टेदर अराइव्ड आफ्टर दैट बट वो फिल्म के दौरान आई फेल्ट वेरी लिबरेटेड एज एन एक्टर एंड आई डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन मी विच आई यूज लेटर इन माई लाइफ एंड विच आई विल

तापसी यार कहने को तो मुझे अलग अलग लेवल का अराइवल फील हुआ है हाँ। और <laughs> <laughs> ऐसे ही बोलूंगी ना वाला <laughs> <laughs> मतलब अराइवल इन <इन्हेंसे laughs> <laughs> मतलब कि पहले लगा कि अरे सारे के सारे डिशकिया और ढुमडुम कर रहे हैं पहली पिक्चर पर आया अराइव का ही गाना हिट हो गया है फिल्म का

यार तापसी को सुन के तो मुझे भी ऐसा काफी शुक्रगुजार महसूस हो रहा है कि जीवन ने काफी मौके दिए हैं जहाँ पे अपना राइवल हुआ आप आपको ऐसा लगता है कि हाँ you know, यू नो ही अराइव्ड एट बालिका वधू ओनली ही अराइव्ड ही अराइव्ड फॉर मी धर्मवीर 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 विश्व था मेरा जो सनी सनी पाजी देखते थे एक्चुअली हाँ। तो गॉड इज बीन काइंड ऑडियंस इज बीन काइंड कि 20 साल लंबे करियर में मौका मिलता रहा है इक्कीस साल <laughs> 21 वो भी शगुन का इक्कीस है भैया इक्कीस साल लंबे करियर में बहुत कृपा रही है लोगों की ऊपर वाले की कि फिर जब टीवी छोड़ा टीवी में जैसे तापसी ने कहा कि बालिका वधू था आ, और उस शो ने मतलब इतना इम्पैक्ट उस शो का रहा है कि द लेट लेजेंडरी सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में उस शो का जिक्र, जिक्र किया था।, जिक्र था।, था, था उसका और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन शुरू हुआ जब फीमेल इन्फेंटिसाइड का कैंपेन भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया उस शो से इंस्पायर होके हाँ। तो लगा कि कुछ योगदान है सिर्फ एंटरटेन हाँ। ही नहीं कर रहे और फिर टीवी छोड़ के सिनेमा करने की कोशिश की तो काफी अच्छे लोगों के साथ काम किया तो मौके मिलते रहे

that also lived up to the standard of his performance right. i feel so sweet so yes, yes, kya baat yes, la hai lagta paise pahunch gaye to now when <laughs> they have told that they have arrived jahan jahan pe inko lagta hai <laughs> <laughs> so i am I very I happy to say this thing ki ab ye log red fm par arrive kar gaye so mm. now i have something very special for you because phir i haseen dilr it is all about thriller it is all about suspense yeah. Yeah. so madness, i am here madness. for the dilruba squad Wow. मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला इट्स okay. हूँ okay. okay. आपको उसमें कातिल ढूंढना है हमारे लिए चलो 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 शुरू करते हैं कम ऑन स्कूल का सेशन शुरू हो रहा है hmm. एकदम नया सेशन है hmm. आज स्कूल का पहला दिन है hmm. और हिस्ट्री की जो टीचर है इतिहास की जो टीचर है स्कूल में उनका हो जाता है मर्डर hmm. पुलिस को चार लोगों पर शक है hmm. मैथ्स के टीचर प्रिंसिपल उसके अलावा बास्केटबॉल कोच एंड ऑब्वियसली गार्डनर पुलिस पकड़ती है। ने, ने कहा कि वो बाहर था घास काट रहा था। के टीचर ने बोला कि वो तैयार कर कर रहे थे। क्या टेस्ट कर रहे थे। थे? क्या बास्केटबॉल कोच कह रहे थे कि वो बाहर अपने स्कूल के बच्चों को जो खिलाड़ी थे उनको ड्रिल करा रहे थे प्रैक्टिस करा रहे थे एंड प्रिंसिपल सर ने कहा वो तो अपनी ऑफिस में थी पुलिस ने पकड़ लिया मर्डर को कौन सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है हाँ। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ हिस्ट्री टीचर का मर्डर हुआ है जी एक बास्केटबॉल कोच है जो बाहर बच्चों को ड्रिल करा रहा है प्रैक्टिस वो वो घास काट रहा दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं नहीं बास्केटबॉल कोर्ट अलग होता है और गार्डन अलग होता है बास्केटबॉल कोर्ट इज ऑल सीमेंटेड मतलब अगर बच्चे पढ़ रहे थे बोल रहा है एक। बच्चे पढ़ रहे थे तो वो ड्रिल कैसे करा रहे थे मैं तो ये बताया कि स्कूल का फर्स्ट डे स्कूल का हाँ एक ही क्लास थोड़ी है फिर से बता स्कूल हाँ। का फर्स्ट डे था फिर से स्कूल तो, का फर्स्ट डे था फिर से बोलना मीडियर टेस्ट मीडिया टेस्ट मीडिया टेस्ट मीडिया टेस्ट मैथ टीचर अब आप लोग को समझ में आया कि मैंने क्यों दो बार हसीन देखी थी बैक बैक टू तो पहला दिन मीडिया मीडिया टेस्ट किया बाय जी आ, हमारे स्टूडियो में है भैया यानी कि प्यार से विक्रांत मास जाता है साथ में है हसीन दिलरूबा उर्फ रानी बोले तो तापसी पन्नू और अब तो नया बकरा फंसा है अभी मनु उर्फ सनी कौशल दे आर इन द स्टूडियोज और अब हम इनके साथ खेलने वाले हैं अटली बटली पुटली अटली बटली पुटली क्योंकि फिल्म का नाम है फिर आई हसीन दिलरुबा तो हमने सोचा इन लोगों को वही थीम बना देते हैं आप लोगों को बॉलीवुड की जितनी भी दिलरुबाए हैं उनके नाम लेते हुए खेल खेल रहा है कैरेक्टर नेम के नहीं कैरेक्टर नेम नहीं आप एक्चुअल नेम पे खेलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ओके खेल की शुरुआत रिशु भैया तापसी बनू करने के लिए स्टैंडिंग ओवेशन तापसी पन्नू तबू तापसी पन्नू तबू माधुरी दीक्षित तापसी पन्नू तबू माधुरी दीक्षित कटरीना कैफ ओके तापसी पन्नू तबू माधुरी दीक्षित कटरीना कैफ विद्या बालन तापसी पन्नू तबू माधुरी दीक्षित कटरीना कैफ विद्या बालन आई मिस्ड नहीं तापसी पन्नू तबू माधुरी दीक्षित कटरीना कैफ विद्या बालन श्रीदेवी पन्नू, तब्बू लग गए <laughs> रिशु भैया होते हैं सबसे पहले खेल से बाहर अब ये खेल चलेगा मैं क्यों बताऊं तापसी क्या बोला था इसने मैं क्यों बताऊं अब ये okay. खेल चलेगा आगे तापसी ओ, और सनी के बीच में चलिए जी शुरू कीजिए ओके okay, तापसी पर नो तब्बू माधुरी दीक्षित कटरीना कैफ विद्या श्रीदेवी आपका भी तो एक बार ऐड करेंगे मेरे को बोल

भाई किसी ने बिल्कुल सही कहा है भारतीय नारी अकेले सब पे भारी और भारतीय पुरुष बेचारे हर में खुश को। <laughs> आ, हमने जिता दिया हाँ हमने जिताया गाइस गुड जॉब गुड वेरी गुड जॉब यू गाइस रियली प्लेड इट वेल बड़ा मजा आया So, भाई ये थी हसी इंद्रूबा की कास्ट फिर आ रही है एक बार फिर से आप लोगों को अपने अलग जलवे दिखाने हम तो तब भी कह रहे थे अभी भी कह रहे हैं क्योंकि ये प्यार का सारा खेल है प्यार मोहब्बत का लफड़ा बड़ा भयंकर हाथ जोड़ के अपन तो बोले जय शिव शंकर जय शिव शिवशंकर हसी इंद्र देखकर हमने तो बोला था वाव और अब फिर आए हसीन इंद्र रूबा का ट्रेलर देख के हमने तो दे दिया मुछो को ताव ताव आप लोग जरूर जाइएगा और इस फिल्म का पूरा मजा लेकर आएगा और इनफैक्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपके अपने घर के स्क्रीन पर आप ये देख पाएंगे मन बहुत मजेदार. एक तो ये फिल्म का ट्रेलर देख के लगा उससे मजेदार आप लोग के साथ बातें हुई है एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मूवी बस अब अगस्त का इंतजार और लंबा नहीं होना चाहिए